कैसे हैं आप सब? व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेश, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस से रिलेटेड स्ट्रेटजी जो आपको 3 स्टार्स दिला सके इजीली, वो भी टाउन हॉल और बिल्डर हॉल दोनों में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बिल्डर बेस की एक स्ट्रेटजी ग्राउंड स्ट्रेटजी जो हमें कई बार 3 स्टार्स भी दिला सकती है और टाउन हॉल 9 मैक्स के ओपोनेंट्स पे भी इजीली हम जीत हासिल कर सकते हैं और वो भी 4000 ट्रॉफीज के ऊपर। वाओ, क्या स्ट्रेटजी थी वो, मज़ा आ गया था एकदम। चलिए फिर, आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ तड़कती भड़कती स्ट्रेटजी, एयर स्ट्रेटजी। एयर ट्रूप्स यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है। चलिए फिर देखते हैं आज की एयर स्ट्रेटजी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज हम सीखने वाले एयर स्ट्रेटजी, लेट्स गो फॉर इट। यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ 4 बलून्स, 9 ड्रैगन्स और 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो ड्रैगन की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जिसमें सारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स होते हैं और रेज और फ्रीज होता है। वो स्ट्रेटजी मोस्ट ऑफ काम नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रो ड्रैगन स्लो होते और वो इजीली स्वीपर और इन्फर्नोस का शिकार हो जाते हैं। तो मैं उन्हें मिक्स करके यूज़ करूँगा और हम इजीली 3 स्टार कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज की स्ट्रेटजी। 4 बलून्स, 9 ड्रैगन्स और 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन। स्पेल में मैंने लिए 10 लाइटनिंग, 1 फ्रीज और क्लैन कासल ट्रूप्स में आप देख सकते हैं 1 इलेक्ट्रो ड्रैगन, 1 बलून, 2 लाइटनिंग है और लेवल 4 का है स्टोन स्लैमर। और मेरे सारे हीरोज आज आ चुके हैं। बार्बेजन किंग वेलकम बैक। और हम वार्डन को यूज़ करेंगे एयर में। तो ये देखिए आज का अटैक, ये बेस आप देख सकते हैं, हमें इसमें पहले 3 लाइटनिंग से 1 एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय करना होता है। 3 लाइटनिंग से 1 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए हमें इस तरह से अटैक करना है कि स्वीपर भी डिस्ट्रॉय हो सके, क्योंकि अगर स्वीपर रह गया तो वो हमारे ट्रूप्स को बहुत दूर दूर फेंकता रहेगा और डिफेंसिस तब तक ट्रूप्स को मार देंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं इसके दोनों एयर डिफेंसिस के बीच में इन्फर्नोज है और उसमें एयर स्वीपर भी है। तो ये अटैक हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। चलिए फिर करते हैं अटैक। लेट अस अटैक। ये देखिए एयर डिफेंसिस पे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कैसे आपको लाइटनिंग यूज करना है। उससे पहले मैंने वार्डन एयर कर लिया, ये 3 लाइटनिंग हम डालेंगे। देखिए इन्फर्नो के ऊपर भी थोड़ा डैमेज हुआ और ये 3-6 लाइटनिंग से इन्फर्नो डिस्ट्रॉय, बूम। यहाँ भी सेम करेंगे हम, इन्फर्नो भी डिस्ट्रॉय, एयर डिफेंस भी डिस्ट्रॉय और एयर स्वीपर भी डिस्ट्रॉय। वाओ, ओपोनेंट तो चौंक गया होगा, उसके डिफेंसिस आउट हो चुके हैं। यहाँ हम फनल क्रिएट करेंगे। फनल हम कैसे डालेंगे, एक साइड पर हमने ड्रैगन डाला है और एक बलून, तो हमारा बलून ले जाएगा एयर माइंस को, जिससे हमारे ड्रैगन सेफ रहेंगे। ये देखिए ड्रैगन बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करके फनल क्रिएट हो गया, सारे ड्रैगन डिप्लॉय कर देंगे, इलेक्ट्रो ड्रैगन, स्टोन स्लैमर, वार्डन और बलून जो बचे थे वो। बार्बेरियन किंग और क्वीन को हमने बचा के रखना है क्योंकि ये पूरा एयर अटैक है, उनको हम लास्ट में यूज करेंगे। ये देखिए हमारा स्टोन स्लैमर बहुत बड़ा बलून है जो डिफेंसिस को डिस्ट्रॉय करता है। सारे ट्रूप्स हमारे सीधे सीधे अंदर जा रहे हैं, इसे कहते हैं फनल क्रिएट हो गया। और ये ट्रूप्स को हमने प्रोटेक्ट कर दिया वार्डन एबिलिटी यूज़ करके। फिर अब मोस्ट ऑफ क्लियर हो चुका है, तो हम बार्बेरियन क्वीन को डाल देंगे इस साइड और दूसरी साइड हम डालेंगे क्वीन को। थोड़ी देर बाद फ्रीज हमारा बचा हुआ है, तो हम उसे ऐसी जगह डालेंगे जो मैक्सिमम डिफेंसिस को डाउन कर दे। फ्रीज हमने यहाँ डाल दिया है एक्सपो और विश टावर के ऊपर। क्वीन हमारी बची है तो हम उसे यहाँ डालेंगे, तो वो सीधा अंदर जाएगी। क्वीन भी अब बार्बेरियन किंग के पास पहुँच रही है। दोनों इस साइड क्लियर करेंगे और उस साइड देखिए एक ड्रैगन क्लियर कर रहा है। अंदर हमारा एक इलेक्ट्रो ड्रैगन है जो विश टावर को ले गया। अब ये आर्चर टावर बचा है, कोई बात नहीं, इसको ड्रैगन ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन और 2 ड्रैगन बचे हुए। क्वीन हमारी फुल हेल्थ पे,
गार्बेज किंग की एबिलिटी यूज कर ली हमने। वाओ ये बेस हो चुका है डिस्ट्रॉय। ये ड्रैगन ने आर्चर टावर को ले लिया है और ये हमारा अटैक हो गया है 3 स्टार। वाओ व्हाट एन एयर स्ट्रेटजी जिससे आप इजीली 3 स्टार कर सके। याद रखिए एयर स्वीपर से हमें बचना होता है, तो आप ऐसे ही बेस पे एयर स्ट्रेटजी यूज करें जिसमें एयर स्वीपर डिस्ट्रॉय हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एयर डिफेंसिस के पास में ही स्वीपर है, तो स्वीपर इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर यहाँ पर स्वीपर, इन्फर्नो और एयर डिफेंस के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो इन्फर्नो जिस पर हमारे डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लेकिन फिर भी हम 3 स्टार करने का मैनेज करेंगे। चलिए लेट्स डू द अटैक। स्वीपर गया, एक दूसरा स्वीपर भी गया। यहाँ पे इन्फर्नो को थोड़ा आधा डैमेज मिल गया है। अब हम क्रिएट करेंगे फनल विद 1-1 ड्रैगन ऑन ईच साइड। ये हमने ड्रैगन डाल दिया है। अब फिर ये देखिए आर्चर टावर उस पर अटैक कर रहा है। ये हमारा फनल हो चुका है क्रिएट। हमने डाल दिए सारे ड्रैगन, इलेक्ट्रो ड्रैगन, बलून्स, स्टोन स्लैमर और वार्डन। सारे ड्रॉप्स एक लाइन में अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था क्योंकि ड्रॉप्स हमारे उस साइड जा रहे थे, तो हमने आर्चर क्वीन को डिप्लॉय कर दिया है जिससे वो साइड के थोड़े ड्रॉप्स जो अंदर जा रहे उसे अंदर भेज सके। और ये इन्फर्नो का टारगेट बना था स्टोन स्लैमर पर बच गया। ये हमने वार्डन एबिलिटी यूज करके ड्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर लिया। एक इन्फर्नो डाउन, दूसरे पे हमने डाल दिया है फ्रीज ताकि वो हमारे ट्रूप्स को ज़्यादा डैमेज ना दे। एक साइड पे आर्चर क्वीन डाउन हो गई है। यहाँ पे बार्बेरियन किंग को हमने अंदर डाल दिया है, वो ईगल आर्टिलरी का शिकार बन गया और हमारे ड्रैगन सारे प्रोटेक्टेड है। ये ऑलमोस्ट 11 मैच बेस था जिस पर हम अटैक कर रहे हैं, वो भी विद एन एयर आर्म। एयर आर्म यूज करना टीएस 11 पे बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत सारे इन्फर्नो मेन होता है जो एयर ट्रूप्स को ले जाता है, और एयर स्वीपर भी बहुत खतरनाक होता है। लेकिन हमने ये मैनेज किया है कि हम 3 स्टार ला पा रहे हैं विद एन एयर स्ट्रेटजी। हाउ कूल इज दैट, वाओ। ये देखिए सीकिंग एयरमाइंस बहुत सारे निकले थे जो हमारे ट्रूप्स को ले गए, फिर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन, 1 ड्रैगन बचा है और बचा है सिर्फ 20 टावर डिफेंस जो इजीली हो जाएगा डिस्ट्रॉय, जिससे हमारा अटैक हो जाएगा 3 स्टार। वाओ एयर अटैक आप तभी यूज करें जब एयर स्वीपर डिस्ट्रॉय हो सके ये ऐसी जगह पे। अगर एयर स्वीपर आपका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो वो आपके ट्रूप्स को बहुत दिक्कत देगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट अटैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस इन्फर्नो के पास में। यहाँ भी इन्फर्नो और एयर डिफेंस के बीच में बहुत बड़ा गैप है और एक स्वीपर हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे जो इसके पास में। चलिए फिर करते हैं हमारा अटैक। अगर एक भी स्वीपर डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारा अटैक इजीली हो जाएगा 3 स्टार, नहीं कर पाए तो फेल। एक स्वीपर नहीं हो पाया डिस्ट्रॉय, कोई बात नहीं, हम दूसरे पे ट्राई करेंगे। ये हो गया डिस्ट्रॉय। अब वो साइड में हम कैनन को भी ले जाएंगे साथ में। ये हो गया कैनन भी डिस्ट्रॉय एयर डिफेंस के साथ। लेट्स ट्राई द अटैक। फनल क्रिएट करेंगे हम 2 ड्रैगन के साथ, दोनों एक एक साइड पर डाल दिए हमने। आर्चर टावर पे बलून जाएगा और बलून उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जबकि आर्चर टावर का फोकस अभी ड्रैगन पे है, तो आर्चर टावर हो चुका है डिस्ट्रॉय और यहाँ पे बलून कैनन को भी ले जाएगा। ये हमारा फनल क्रिएट हो चुका है, तो हम डाल देंगे सारे ड्रैगन, इलेक्ट्रो ड्रैगन, बलून, वार्डन और स्टोन फ्लेमर के।
गेम देखिए आप, सीधे सीधे सारे ट्रूप्स हमारे अंदर जा रहे हैं। वाह, वार्डन एबिलिटी यूज करके हमने ट्रूप्स को प्रोटेक्ट कर लिया। इन्फर्नो का डैमेज बहुत बढ़ गया था तो हमने फ्रीज डाल दिया उस पर, जिससे ट्रूप्स प्रोटेक्टेड रहे थोड़ी देर के लिए। और ये फर्स्ट इन्फर्नो डाउन, सेकेंड ईगल आर्टिलरी पे स्टोन स्लैमर जा रहा है और ये अब ईगल आर्टिलरी हो जाएगी डिस्ट्रॉय। सेकेंड इन्फर्नो हमारा डाउन हो गया। वाओ, व्हाट अ स्ट्रेटजी, इट्स वर्किंग। और ये देखिए स्नीकिंग एयरमाइन को दोनों बलून्स ले गए, इससे हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन प्रोटेक्टेड है, इसलिए बलून्स भी लेना जरूरी है। और ये आर्चर पिन को हमने सीधा अंदर डाल दिया है, वो सीधा अंदर आई है। बार्बेरियन किंग को हमने दूसरी साइड पे डिप्लॉय किया है। ये हमारे ड्रैगन्स फाइट करते हुए आर्चर क्वीन से उसको डैमेज दे दिया है। और ये आप देख सकते हैं इजीली हमारा अटैक हो जाएगा यहाँ पे 3 स्टार। सिर्फ एक आर्चर टावर बचा है और एक कैनन डिफेंसिस में। वाओ, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रेटजी जो आपको 3 स्टार दिला रही है। वाओ, लेकिन एयर स्वीपर डिस्ट्रॉय हो तभी। हाँ, अगर आप एयर स्वीपर नहीं डिस्ट्रॉय कर पाए तो आपका अटैक फेल। चलिए बढ़ते एक और अटैक की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये भी एक 11 मैक्स बेस है, इसका एयर डिफेंस देख लीजिए चारों तरफ। और इसका स्वीपर कॉर्नर पे है तो हम एक स्वीपर डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके ऊपर उसके पीछे से अटैक करेंगे, इससे दूसरा जो स्वीपर बचा है वो एक्टिवेट ना हो। चलिए करते अटैक। ये हमने लाइटनिंग डाल दिए 3-3, उसके साथ देखिए 2 आर्चर टावर चले गए। ये स्वीपर थोड़ा दूर था तो हम इसको नहीं ले पाएंगे, ये स्वीपर पास में है तो ये जला जाएगा। ये स्वीपर हो चुका है डिस्ट्रॉय, अब वो स्वीपर के पीछे से हमने अटैक करना है उससे बचने के लिए। तो हम ड्रैगन से फनल क्रिएट करेंगे, ड्रैगन्स के बाद हमने बलून डिप्लॉय कर दिया है जो भी इस टावर पर जाएगा आर्चर टावर को भी डिस्ट्रॉय करेगा इवेंचुअली। और ये दूसरा बलून चल चुका है स्वीपर की तरफ और ये हमारा एयर स्वीपर भी डिस्ट्रॉय। और ये फनल क्रिएट हो चुका है तो हम डाल देंगे बाकी के ड्रैगन, इलेक्ट्रो ड्रैगन, वार्डन बलून्स और स्टोन स्लैमर लास्ट में। सारे ट्रूप सीधे सीधे अंदर जा रहे हैं, मतलब हमारा फनल बढ़िया बना। अगर इसमें भी आपका फनल नहीं बन रहा है तो आपका अटैक बेशक फेल होगा, इसलिए आप फनल की बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंडली चैलेंजेस से और एक अच्छा फनल क्रिएट कीजिए। ट्रूप्स को हमने वार्डन से प्रोटेक्ट किया, ये इन्फर्नो बहुत डैमेज दे रहा था तो हमने उस पर फ्रीज डाल दिया। और अब बाकी का बेस हमारा साइड से बार्बेरियन क्वीन और आर्चर क्वीन क्लियर करेंगे। वो देखिए बार्बेरियन किंग क्लियर करते हुए आर्चर क्वीन, साथ में एक ड्रैगन आ गया उनके। और ये बीच में हमारे मैक्सिमम ड्रैगन्स और 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन बचे जो सारे डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वाओ, एक और हमारा अटैक जा रहा है 3 स्टार की ओर और ये अटैक भी हो चुका है 3 स्टार। एक बिल्डिंग बच गई है जो ये लोग जाके डिस्ट्रॉय कराएंगे। और ये हो चुका है डिस्ट्रॉय और ये अनदर अटैक हमारा हो चुका है 3 स्टार। वाओ, इजी स्ट्रेटजी है, बस आपको एयर स्वीपर डिस्ट्रॉय करना है और एयर डिफेंसेस भी डिस्ट्रॉय करने हैं। 3 लाइटनिंग आपका एक एयर डिफेंस ले जाएगा। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, फनल क्रिएट करिएगा और फिर 3 स्टार लाइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए
मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।